नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों ये है पार्ट थर्ड, जो कि पांच वीडियो आने वाली हैं आर्मी फिजिकल मेडिकल और लिखित परीक्षा से संबंधित। तो दोस्तों इन पांच वीडियो की सीरीज में मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस क्लर्क टेक्निकल एजुकेशन हवलदार ट्रेड्समैन RTJCO स्टोर कीपर एंड नर्सिंग असिस्टेंट और NCC और ओ लेवल सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का होता है। तो अगर आपके दिमाग में आर्मी के फिजिकल मेडिकल और रिटन एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो की जो पांच वीडियो की सीरीज है इनको आप पूरा देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको किसी भी ARO BRO या फिर किसी भी बंदे से पूछने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले क्यों ना सही, मैंने इसमें पूरे इंडिया के स्टेट के लिए कवर किया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए बताने जा रहा हूँ आर्मी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि दोस्तों PFT। तो PFT की फुल फॉर्म होती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मैं आपके लिए किस ट्रेड में क्या क्या फिजिकल अनिवार्य है, कितना आपके लिए पास होने के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं वो पूरे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आर्मी के फिजिकल में ओनली चार चीज़ें ही ली जाती हैं। नंबर वन, 1.6 किलोमीटर रन होता है आपका। उसके बाद में 10 पुलअप्स होती हैं। उसके बाद में दोस्तों 9 फीट डिच होता है और लास्ट होता है आपका जिगजैग बैलेंस। ये चार चीज़ें आपसे फिजिकल के टाइम पर आर्मी में कराई जाती हैं। तो आपका जो फिजिकल होता है वो आर्मी में 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। तो इन्हीं के बारे में हम आगे की वीडियो में जाएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों 1.6 किलोमीटर रन फॉर ऑल कैटेगरीज। तो इसमें आपको यहाँ पर डाउट रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्लर्क में रनिंग कितनी होती है, टाइमिंग कितना होता है, टेक्निकल में ट्रेड्समैन में। तो मैं आपका आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप किसी भी ट्रेड की भर्ती देख रहे हैं, किसी भी ट्रेड के लिए आप भर्ती ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं रनिंग के लिए, तो आपकी 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होगी वो सभी की सेम होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग और ग्रुप और मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5:30 से पहले पूरी करते हैं तो आप ग्रुप वन में आएंगे, जिसके लिए 60 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो अगर आपने अपनी 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5:30 से पहले पूरी कर दी है तो आपके लिए ग्रुप वन में आएंगे आप और आपके लिए मार्क्स मिलेंगे 60 मार्क्स, जो कि रनिंग में फुल मार्क्स होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपने अपनी रनिंग 1.6 किलोमीटर 5:31 से 5:45 के बीच में पूरी की है तो आपके लिए ग्रुप सेकेंड में आएंगे आप और आपके लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो 48 होंगे। मतलब अगर आप 5:30 से पहले करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप 5:31 से 5:45 तक अपनी रनिंग के लिए पूरी करते हैं तो आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। यहाँ पर आपके सेकंड ग्रुप में आने से 12 मार्क्स रनिंग में कवर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अबव 5:45, अगर आप 5:45 के बाद में रनिंग पूरी करते हैं तो आप दोस्तों किसी भी ग्रुप में नहीं आएंगे और आप हो जाएंगे फेल। तो आर्मी में अभी केवल दो ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन जिसके लिए 60 मार्क्स और ग्रुप सेकंड जिसके लिए 48 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइमिंग फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली ट्रेन। तो अब कुछ दोस्तों एक्स्ट्रा टाइमिंग भी दी जाती है आर्मी में, वो कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं उनके लिए दी जाती है। जैसे कि दोस्तों बिटवीन 5,000 फिट टू 9,000 फिट, ठीक है। तो अगर आप किसी हिल एरिया के रहने वाले हैं जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5,000 से 9,000 फिट तक है तो आपके लिए 30 सेकेंड का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आपके लिए ग्रुप वन के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे। मतलब आपके जो भी है ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों के लिए आपको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। और आप अगर 9,000 फिट से 12,000 फिट के हिल एरिया में रहते हैं तो आपके लिए 120 सेकेंड यानी कि आपको 2 मिनट ज़्यादा दिए जाएंगे। तो यही आप जो नॉर्मल एरिया के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो 5:30 उनके लिए मिलेंगे तो जो 9,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर रह रहे हैं जो हमारे इंडियन कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं
तो उनके लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइमिंग का यहाँ पर प्रोविजन है। तो उनके लिए दोस्तों 7 मिनट 30 सेकंड तक फर्स्ट ग्रुप मिलेगा। उसके बाद में 5 मिनट 45 सेकंड के आप 2 मिनट और जोड़ लो, यहाँ पर 7 मिनट 45 सेकंड बन जाएंगे। तो उनके लिए 7 मिनट 45 सेकंड में अपने 1.6 किलोमीटर के रन पूरा करना होगा। तो रनिंग से संबंधित अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको क्लियर करूंगा। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहेगा नहीं, और इस वीडियो की PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पुलअप्स फॉर ऑल कैटेगरीज। तो जैसे कि रनिंग में सभी कैटेगरी के लिए रनिंग सेम है, ऐसे ही पुलअप्स जिनके लिए हम चिन अप बोलते हैं और हिंदी में हम गांव की भाषा में बीम भी बोलते हैं। तो अगर आप पुलअप्स की बात करें दोस्तों, तो पुलअप होगा आपका 10 या ज़्यादा, मतलब आप अगर 10 पुलअप मारते हैं या उससे ज़्यादा मारते हैं तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, और आप अगर 9 पुलअप्स मारते हैं तो आपको मिलेंगे 33 मार्क्स, अगर 8 पुलअप्स मारते हैं तो आपको मिलेंगे 27 मार्क्स, 7 पुलअप्स करते हैं तो आपको मिलेंगे 21 मार्क्स, और अगर आप 6 पुलअप्स करते हैं तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 6 पुलअप्स भी मारते हैं तब भी आप पास माने जाते हैं और आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पुलअप्स की आपकी जो भी डाउट था आपके दिमाग में वो भी क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार और बता दूँ, 10 या 10 से ज़्यादा 40 मार्क्स मिलेंगे, जो 9 पुलअप्स करेंगे उनको 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 पुलअप्स करने वाले के लिए 27 मार्क्स मिलेंगे, और जो 7 पुलअप्स करेंगे उनके लिए 21 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जो 6 पुलअप्स करेंगे उनके लिए 16 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा बैलेंस और 9 फीट डिज। तो शुड क्वालिफाइड एंड नो मार्क्स आर अवॉर्डेड। तो बैलेंस, जिगजैग बैलेंस और 9 फीट डिज आपके लिए ओनली क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। जो आदमी का 100 नंबर का फिजिकल होता है दोस्तों, वो केवल 40 नंबर के पुलअप्स और 60 नंबर के रन होता है। तो आपके जो फिजिकल से संबंधित PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट से संबंधित आपके दिमाग में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो की PDF फाइल को भी आप डाउनलोड कर लें जिसमें मैंने डिटेल में बताया है आपके लिए कि किस कैटेगरी के लिए आपको कितना फिजिकल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा और हमारे YouTube चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।